पटना जिले के मसौढ़ी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला गांव घुरहुआ मुसहर जो कि कराय पंचायत में आता है, यहां पे जो लोग हैं उनका कहना है कि इनके गांव में रोड बना है लेकिन नाली नहीं बनी। नाली न होने की वजह से अनेक तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और उसी नाली गंदे पानी से होकर के उन्हें स्कूल जाना, काम करना, घर के भी काम करना, सारी तरह की दिक्कतें होती हुई नजर आ रही। यहाँ नाली इस तरह से है, बनी नहीं है नाली आपके यहाँ पर? नहीं, यहाँ पड़ी नाली बनी है। पानी में रहते हैं आप, पानी में आते हैं हमारे सब घड़ी पानी आप लग रहा है। पानी में खेती की कुछ करेगी, सुखल पर कहाँ दिया जी, दूसरा दिया जाए सुखल पर तो बोलवे कर रहे। तो इसमें मैं गली तो गली दिया जाओ ऊपर दिया चढ़ के जाए, मैं ऐसे कहा। ये जब गली बना था तो आपने नाली नहीं बोला कि नाली करवा दो? करवावे ला बहुत होले ने वे ने बनावे ना करके तो कुछ करी ना जड़ी एक में लड़ ली ताकि उसने दुबे कहता फंडवे लेने के फंडवे ना हले। मुखिया जी के कहता हमने वोट हमने देवे ना करा लेन आधा मुसरे के वोट दे लेन मुखिया जी की तब वे तो हमने ना छोड़ दे कि नहीं आओ। आधे गांव में अच्छा काम कराया, आधे गांव में नहीं करवाया? हाँ, आधे गांव में काम कराया, आधे गांव में नहीं काम कराया। आपके जो वार्ड कौन सा वार्ड पड़ता है आपका? वार्ड के नाम नहीं जानते हैं, 13 नंबर है खाली। ये वार्ड नंबर 13 है? अच्छा, तो कभी वार्ड से बोला है कि हमारे गांव में नाली बनवा दी? वार्ड से बोलते बोलते, मुखिया से बोलते बोलते, सब से बोलते बोलते थक गए हैं। अब हम भी लोग के रुपया नहीं है कि हम लोग खर्चा करके बनाए। तो मैं देख रही हूँ कि नाली में पानी बह रहा है, जगह जगह पाइप कटे हुए हैं, ये सब क्यों? सब फटल है के मुखिया के बाढ़ के सब के कमी से ना, हम लोग अपन मन फार के यहाँ रख ले हैं तो बना देता तो नहीं ना फटा रहता। अच्छा, दिक्कत है ये नली गली के देखता ही है। कितने समय से ये दिक्कत है आपके गांव में? देवरा तो बताइए कर वही बता तो हम का हुआ। कितने समय से दिक्कत है, जब से आप आई हैं तब से कभी देखा नाली बने हुए? ना ना, नाली ना बने। तो क्यों नहीं आपकी तरफ बनाते हैं, कुछ पता है आपको? अब ककरा कहे जाता है मुखिया बाट जितावा ही, जहाँ मन ने बुझा ले जाने बनाई का थी, अब हमने के मन ने ना बुझना था नहीं ना बनाया, हम कब चीज में कहे जी, हम कहे जी हम तो जनता को खाली समय पर आवलन मुखिया चाहे सरकार तो जहाँ जा वोट मांगने के टाइम पे आ जाता है सर, तब वो लोग इस गली से निकलते हैं कि नहीं? निकल लिया है हम, दूसरे हैं ताकि बन जाएगा बन जाएगा, कहिया बनेगा, अब तो जीत गया। वोट मांगने के लिए इस गली से आए थे लोग? हाँ हाँ हाँ। नाली के वहाँ निकास के जो है ना समस्या उधर में है, उसका निकलने का जगह नहीं है, जाओ तो खेत पड़ जाता है। और नाली बनाए थे ना, और नाली बना हुआ ना है, नाली सब होम पाइप नाली बना है, तो मैंने 700-800 फीट बना नाली बना था, नलिया करावल है। वहाँ पे 12 से 15 घर ऐसे हैं जो मुसहर के, जो नाली की समस्या से काफी आठ दस घर में है समस्या। क्या वहाँ के लोगों के नाली समस्या नहीं दूर हो पाएगी? दिया हुआ है सब टाइट एंड टाइट कर दिया सरकार ने। हाँ, इस साल पूरा कम्प्लीट करवा दिया जाएगा ना, ये इस साल ना। हाँ, इस साल कम्प्लीट हो जाएगा। 5-6 साल से आप लोग यहीं पर रह रहे हैं? हाँ, इसी रह रहे हैं, जाते हैं आते हैं। सबके घर में यही दिक्कत है? सबके घर में दिक्कत नहीं है, जना नली है वो नली है, जने नहीं जने छोड़ दिया है। कितने घरों का पानी इस नाले में निकलता है? एक दो तीन चार पाँच, कम से कम 12 घर से। सराय पंचायत में जो घुरहुआ मुसहर आता है पर 10 से 15 घर हैं, वहाँ पे नाली नहीं बना, रोड बना है लेकिन नाली नहीं गया, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें हो रही हैं। उस पे जो है ना योजना लेके उसको जो हम लोग वहाँ पे नाली बनवाएंगे। हाँ, वही है, थोड़ा फंडिंग के अभाव में जो है ना रुका हुआ है। ग्राम सभा से वैसे पारित है योजना। कौन सी योजना के तहत आप काम करवा रहे हैं? उसको 15 से लेना होगा, 15वीं बीतायो। हेलो जी जी। हाँ, तो वही फंडिंग देखकर उसका जो एस्टीमेट बनाया जाएगा, उसके बाद फिर उस पे काम कराया जाएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।